हेलो गाइस, आई एम शिवकांत कुशवाहा फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज हम आपको बहुत ही ये तो कई बार बोल चुका हूँ यार, है ना। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली क्या होता है, मैंने तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सेंटेंस जो होता है, ये सेंटेंस हमारा, इसको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बिल्कुल ध्यान से यदि नहीं देखे हो ना तो ये फिर टॉपिक देखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो डिवाइड किया गया मतलब उसको अलग किया गया है। तो अलग कहां से किया गया था, हमने आपको बताया था कहां से अलग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। कहां से, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा देखो ना, यहां से इतना बड़ा, कुछ ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो देखो एच इतना बड़ा, हेल्पिंग वर्ब से हम इसको अलग कर रहे थे। और हेल्पिंग वर्ब जिसमें हो ही ना, उसमें हम कहां से अलग कर रहे थे, मेन वर्ब से अलग कर रहे थे। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और इधर वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो तोड़ने की क्रिया है ये कहलाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फ्रेंड जो जोड़ने की क्रिया है वो कहलाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक एक वर्ड को समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्ता और वर्ब का मतलब हुआ क्रिया। अब इसमें क्रिया भी हो सकती है और वर्ब का मतलब सहायक क्रिया भी हो सकती है, सहायक क्रिया। और एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, सहमति, सहमति। जहां पर सब्जेक्ट अपने आने वाली क्रिया से सहमत हो जाए कि भैया ठीक है, हम भी ठीक, आप भी ठीक, चलो जुड़ जाते हैं, तो वही वाले कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। समझ रहे ना। एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझिए, जैसे हम अपने बच्चे के लिए एक शर्ट पैंट लेने जा रहे होते हैं, तो दुकानदार को, अब हम छोटा बड़ा हो जाता है, तो दुकानदार को हमने कहा कि भैया एक काम करो 24 नंबर पैंट दे दो, तो वो 24 नंबर पैंट भर थोड़ी देता है, 24 नंबर हमने कहा शर्ट हम रखे भैया पैंट भर दे दो, बोला नहीं नहीं 22 नंबर लौटाओगे तो दोनों 22 नंबर लौटाओगे और हम देंगे तो दोनों 24 नंबर देंगे, हमें 22-24 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 22-24 क्या हो गया, अनमैचिंग वाला हो जाएगा ना, वो एग्री नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी आगे पीछे हो जाएगा, ये भी आगे पीछे हो जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। तो जहां पर ये दोनों सहमत हो जाए, दोनों सहमत कैसे हो जाए, जैसे मान लो हमने यहाँ पर बॉयज लिखा और ये फिर ऐसे हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने इज गोइंग लिखा है और दूसरा हमने आर गोइंग लिखा है, आर गोइंग। अब बताओ ये जो बॉयज है इसके साथ इज गोइंग एग्री हो रहा है कि आर गोइंग एग्री हो रहा है। अब जो बॉयज है वो हमारा कैसा है, प्लूरल फॉर्म में, तो कौन सा एग्री होने वाला है, इसके पास गया उसने कहा सॉरी इसके पास गया उसने कहा कि भाई एग्री हो जाओ, उसने कहा नहीं एग्री होने वाला, आपका ये प्लूरल है और हम सिंगुलर है तो हम तो एग्री होने वाले नहीं। तो फिर ये इसके पास गया, उसने कहा आप एग्री हो जाओ, तो इसने कहा हाँ ठीक है, हम भी प्लूरल आप भी प्लूरल, तो ये भी प्लूरल फॉर्म में है, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, तो इन दोनों की क्या हुई, ये दोनों एग्री हो गए एक दूसरे से, तो यही कहलाता आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये तो एक बताने का कंसेप्ट था, बाकी प्रॉब्लम कहां पे आती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, यहां पर लिखा है राज और दूसरा एंड अमन। अब इसमें है हैज गॉन और दूसरा है हैव गॉन, तो दो चीजें हैं, एक है हैज गॉन और दूसरा है हैव गॉन। तो राज और अमन दो लोग हैं, राज और अमन दो लोग हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमको कैसे पता चला कि एंड से जुड़ा तो ये हो गया, पर अगला हमने लिखा ब्रेड एंड वाटर, ब्रेड एंड बटर, और फिर एज गुड और दूसरा आर गुड, तो इसमें क्या होगा, ब्रेड एंड वाटर मतलब होता है खाना पीना, खाना पीना, तो हमको बोला खाना पीना अच्छा है, तो खाना पीना अच्छा है, तो ये भले ही एंड से जुड़ा है लेकिन ये यहां से लेकर के यहां तक केवल एक वर्ड है, तो इसका होगा ब्रेड एंड वाटर इज गुड। अब फिर ये कंफ्यूजन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कंजक्शन से जब शब्द जुड़ते हैं तो बहुवचन हो जाते हैं और जो वर्ड में एंड लगे होते हैं पर वो अलग, जैसे इधर आर कहीं पे लिखा हो, इधर और आर, तो इधर आर क्या करता है, वर्ड को अलग करता है। जैसे यहां पर वर्ड लिखा है इधर, यहां पर लिखा है इधर बुक और पेन डैश डैश कॉस्टली, इज कॉस्टली लिखा है और दूसरा आर कॉस्टली लिखा है, तो क्या करना है,
कि जो ये वाला है और है, ये अलग कर देता है इसमें, या तो हम बुक की बात कर रहे हैं या पेन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग हैं, तो क्या होगा, इज कॉस्टली। तो सीधे बात ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट यदि आपका, यदि सब्जेक्ट आपका एक है तो आपकी जो वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और यदि आपका सब्जेक्ट बहुत सारा है, प्लूरल में है, बहुत सारा है प्लूरल में है, तो आपका जो आगे वाला वर्ब है ये भी कैसा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए, तब ये एग्री होते हैं। और यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लगभग हर एग्जाम का ये टॉपिक होता है कि हम कैसे वहां पर एक वचन, सीधा सा कंसेप्ट, एक वचन सब्जेक्ट तो एक वचन वर्ब, और बहुवचन सब्जेक्ट तो बहुवचन वर्ब, तब दोनों क्या हो जाने वाले हैं, एक दूसरे से एग्री हो जाने वाले हैं। और नहीं होगा यदि हम इसमें पेन का कैप लगाएंगे तो ये एग्री होने वाला नहीं है, और यदि हम इसमें मार्कर का लगाएंगे जिसका ये है, जिससे ये अलग हुआ था, तो ये निश्चित रूप से एग्री हो जाएगा और ये हमारा टॉपिक होगा। तो फ्रेंड्स अपने बुक में बहुत अच्छे से जो सेंटेंस अंडरलाइन करके पढ़ें, चीजों को समझें। हमारा कंसेप्ट था आपको ये बताना कि टॉपिक का मतलब क्या होता है, एक वचन सब्जेक्ट तो एक वचन वर्ब, बहुवचन सब्जेक्ट तो बहुवचन वर्ब, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक काम करना, अभी गर्मियों में आपके पूरे दोस्त फ्री रहने वाले हैं और उनके पास कोई काम नहीं होंगे, तो इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, तो उसके लिए टॉपिक्स को शेयर करिएगा और उनको बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो हम उन तक भेजते रहें जो हमसे बहुत दूर हैं। और यदि आप सीधी में हैं तो आप हमारी कोचिंग में पढ़ने आ सकते हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। थैंक यू।